मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आबकारी अमले ने कार में देशी और विदेशी शराब की हो रही तस्करी का पर्दाफाश करते हुए कार से लाखों रुपए मूल्य की शराब पेटियां बरामद की है। वहीं इस कार्यवाही में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कसरावद रोड स्थित टेमला फाटे के पास नाकाबंदी कर मारुति डिजायर कार क्रमांक MP10CA6283 को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन से 6 पेटी देशी प्लेन मदिरा एवं 6 पेटी लेमाउट कैन बियर बरामद हुई। कार से कुल 126 बल्क लीटर शराब जब्त की गई। वाहन चालक अजय पिता नंद किशोर जायसवाल निवासी मोठापुरा थाना उनको गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उसकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी एकानंद उर्फ गोलू पिता घेंदालाल जायसवाल निवासी ग्राम मोठापुरा को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वहीं उक्त शराब कहां से लाई गई, कहां ले जाई जा रही थी, इसके स्रोत के बारे में पूछताछ की जा रही है। ये कल हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मेनगांव रोड से कसाद रोड खरगोन से भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जाने वाला है। तो मुखबिर से प्राप्त छठी सूचना के आधार पर हम लोग ने पॉइंट लगाया टेमला नाके पर और वहाँ पे हमने एक मारुति स्विफ्ट कार को पकड़ा। उसमें 12 पेटी हमको मदिरा प्राप्त जब्त हुई, जिसमें 6 पेटी प्लेन मदिरा और 6 पेटी बियर मदिरा थी। उसमें एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया, अजय पिता नंद किशोर को, और उसको फिर पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पे हमने एक अन्य आरोपी जो मुख्य जिसने उसको माल डिलीवर किया था गोलू जायसवाल को हमने उसको गिरफ्तार किया और उसको उनके खिलाफ धारा 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत करके विवेचना में लिया है। क्या जी कहाँ ले गया? ये खरगोन तरफ आ रहे थे, शहर में आ रहे थे, और जो जब्त मदिरा है उसका मूल्य लगभग 40,000 रुपये है और जो वाहन जब्त हुआ है उसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपये है। क्या नाम? मुकेश गौर, आपका उप निरीक्षक खरगोन। सबलाल पठान की रिपोर्ट।